पूर्व सैनिकों ने आम लोगों के साथ मिलकर पुलवामा के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। 14 फरवरी 2019 को आतंकी हमले में शहीद हुए 44 जवानों को दी श्रद्धांजलि। शहर के ऐतिहासिक अशोक लाट पर एकत्र होकर पूर्व सैनिकों ने पुलवामा के शहीदों को किया नमन। कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों के साथ ही शहर के तमाम लोगों ने कैंडल जलाकर शहीद सैनिकों को दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। पूर्व सैनिकों ने कार्यक्रम के माध्यम से मिलिट्री की तरह ही पैरामिलिट्री फोर्स को भी सुविधाएं दिए जाने की पुरजोर मांग रखी। कार्यक्रम का आयोजन शहर कोतवाली अंतर्गत शहीद स्मारक अशोक लाट पर किया गया। बांदा से प्रभंजन कुमार की रिपोर्ट। डीसी श्रीवास्तव रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी एजुकेशन को। अच्छा, किस तरह कार्यक्रम था आज? पुलवामा के शहीद 14 फरवरी 2019 को उनकी बटालियन जो है डाउनफॉल नीचे आ रही थी, रास्ते में जो है आतंकवादियों का हमला हुआ जिसमें हमारे 44 जवान शहीद हुए थे। आज उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके परिवारों की सुख शांति और उनके बच्चों के भविष्य के लिए कामना करने के लिए आज के कथित थे। ये बताइए, आज के दिन 14 अप्रैल है, 14 फरवरी है जो वैलेंटाइन भी मनाते हैं लोग, एक दूसरे के प्यार का इजहार, ये इसमें क्या कहना है? मेरा कहना ये है कि हम सैनिक सर्वोपरि हमारे लिए राष्ट्र, देश सेवा और राष्ट्र है। आप 14 फरवरी वैलेंटाइन डे कहाँ रह गया? अब तो बलिदान दिवस शुरू हो गया। 14 फरवरी 2019 को जिस समय हमारे पुलवामा में CRPF के जवानों ने अपनी शहादत दी थी, वो उस दिन से बलिदान दिवस हो गया। तो हम लोग आज के दिन को बलिदान दिवस और भारत के लिए काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। और एक चीज और कहना चाहता हूँ, मुख्य बात पैरामिलिट्री और मिलिट्री में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन पैरामिलिट्री को आज पेंशन नहीं मिल रही है। तो आज इस मंच के माध्यम से, आज इस बलिदान दिवस के माध्यम से मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा, याद दिलाना चाहूँगा कि पैरामिलिट्री के जितनी भी जो है ग्रुप्स हैं उन सबको भी पेंशन लागू की जाए, क्योंकि वो पेंशन ले रहे हैं। इस राष्ट्र में ये चीज सभी के लिए बराबर होनी चाहिए, हक की बात। थैंक यू।